प्ले करना है सर। एंड और एक जो बहुत खुशी की बात है, सर का एक नया कविता है जो सर ने लिखा है, कविता संग्रह किताब है, वो अभी ये मकर संक्रांति में रिलीज हुई। तारीफ जो है, तारीफ वो विष के समान होता है, उसको पचाना भी आना चाहिए। आपकी ज्यादा तारीफ की है सब। हाँ, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सिर्फ कोरोना से नहीं, तारीफ से भी। ऑनलाइन काफी थिएटर हुए, क्लासेज हुए कोरोना में, और थिएटर का ऑनलाइन शुरू होना ये भारतवर्ष में एक इतिहास बन गया है कि इसके पहले कोशिश हुई थी कि ऑनलाइन हो नाटक। जब भारंगम जो नेशनल सुपर ड्रामा का जो फेस्टिवल होता है थिएटर फेस्टिवल, उसको डिजिटली प्रसारित करने की कोशिश हुई थी, लेकिन प्ले राइट का चक्कर आया और वो नहीं हो पाया। थिएटर ओलंपिक जो हुआ 2018 में, वो भी डिजिटली प्रसारित नहीं हो पाया, तो पता नहीं चला कि जयपुर चैप्टर में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, पटना चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर्स में क्या चल रहे हैं, जबकि पूरे देश में थिएटर ओलंपिक्स हो रहा था। अगर प्ले राइट का चक्कर नहीं होता तो डिजिटली उसका बहुत अच्छा प्रसारण होता। जबकि लंदन थिएटर में डिजिटल प्रसारण आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। लंदन में कुछ 70 स्क्रीन्स हैं। जब हम लाइव परफॉर्म करते हैं तो 70 स्क्रीन पे पूरे लंदन में वो ये कर देते हैं, पूरे ब्रिटेन में टेलीकास्ट करते हैं, और पूरी दुनिया में उनके कुछ 2500 स्क्रीन जो डिजिटली प्रसारित करते हैं। जबकि लंदन थिएटर जो है वो कमर्शियल नहीं है। न्यायिक साहब का स्वागत है, आइए आइए, प्रणाम प्रणाम। और ब्रॉडवे ने अभी तक डिजिटल प्रसारण शुरू नहीं किया है, वो सोच रहा है अभी, तब तक लंदन थिएटर ने शुरू कर दिया। और उसी रूपरेखा पर भारतवर्ष में भी शुरू होना था, लेकिन नहीं हो पाया प्ले राइट के चक्कर का। लेकिन शुक्र है कोविड का और इस लॉकडाउन का, एक तरह से कि लोगों को थोड़ी थोड़ी आदत शुरू हो गई। एक तो एक्टर्स को भी करने की रंगकर्मी करना शुरू कर दिए, लेकिन होता था क्या करें यार, जब तक सामने परफॉर्म नहीं करेंगे, दर्शक सामने ना हो, तब तक ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा, वो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, वो तारों की गड़गड़ाहट कुछ सुनाई नहीं देगी, तो क्या होगा, वो आनंद नहीं आएगा। एक्टर ने अगर पॉज ले लिया, ऑडियंस उसका भी रस ले रहा है, ऑडियंस एक लंबा प्रेग्नेंट पॉज ले लिया, थिएटर में एक प्रेग्नेंट पॉज भी होता है, लंबा पॉज ले लिया, उसमें भी ऑडियंस को होल्ड करके एक्टर रखा हुआ है अपने पॉज में, अपने परफॉर्मेंस के बल पे, जो डिजिटली उतना संभव नहीं है, क्योंकि लाइव में एनर्जी एक्सचेंज होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। लेकिन कोविड में ये हुआ, ये शुरू हुआ कि डिजिटली काफी लोगों ने नाटक किए, जैसा कि अंशु ने बताया कि उन्होंने किया, और आप सब जुड़े रहे उससे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि थिएटर लाइव में जो मजा है, जो चीजें, वो मजा डिजिटल में नहीं आएगा, क्योंकि थिएटर लाइव की ही चीज है, क्योंकि पूरी पर्सनालिटी को बदल देगा। पुनीत जी क्यों आ गए? 6 महीने तक वो लेके आते थे मैडम, गाड़ी में बैठ के लैपटॉप पर काम करते थे, और उसके बाद सीधे यहां आ गए। क्यों आ गए? उनको क्या समझ में आया? वो जरूर कुछ ना कुछ इनके व्यक्तित्व में परिवर्तन देखा होगा उस 6 महीने में। ये मत सोचिए कि 6 महीने वो रुके और उसके बाद आए। वो क्यों आए ये सोचिए। वो घर में इनके व्यक्तित्व में, इनकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ बदलाव देखा होगा। और तभी वो आने के थिएटर इस तरह से आकर्षित करता गया अपने लोगों को। और थिएटर से जुड़ना कोई आसान थोड़ी है, जो बहुत भाग्यवान होता है वही थिएटर से जुड़ता है। सीधे आपको समाज से जोड़ देता है, सीधे आपको शब्दों से जोड़ देता है, सीधे आपको भावों से जोड़ देता है, मानवीय संवेदनाओं को इतनी गहराई से व्यक्त करता है। क्या करता है एक्टर? एक्टर एकमात्र ऐसा है इस पूरी सृष्टि में अभिनेता जो शब्द को दृश्य बना देता है। शब्द को दृश्य बनाने तक की यात्रा थिएटर है। बस अब इसको आप अभिनय कह लीजिए, इसको आप रंगकर्म का कोई भी विधा ले लीजिए, उसमें सब में यही प्रयास होता है कि ये शब्द से दृश्य यात्रा कैसे हो, ये एक्टर करता है और बखूबी भी करता है। जबकि शब्द को शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है। नक्षर की अक्षरा अक्षर का कभी नाश ही नहीं होता, वो घूम रहा ब्रह्मांड में। आपने जो भी बोला, मैंने जो भी बोला, चाहे कुछ भी बोला, जो ब्रह्मांड में घूम रहा है और एक दिन वापस आके आपसे मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले कई जन्मों में मिलेगा, किसी जन्म में मिलेगा, वो अवश्य मिलेगा। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलो, अच्छी बातें बोलो, दूसरों के लिए अच्छा बोलो। तुम जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए बोलो। अपने लिए बढ़िया बढ़िया सब चाह रहे हैं और दूसरों के लिए गलत गलत बोल रहे हैं। नहीं, समाज में वैमनस्य क्यों है, भेदभाव क्यों है, ऊंच नीच क्यों है, हड़कंप क्यों मचा हुआ है? इसलिए कि हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं और दूसरों के लिए बुरा बुरा चाहते हैं, अच्छा चाहते ही। लेकिन थिएटर मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुष्य मनुष्य जन्म लेता है, लेकिन थिएटर मनुष्य को मनुष्य बनाता है। कहते हैं सृष्टि में ब्रह्मा के बाद अगर कोई है तो वो एक्टर ही है। एक्टर ब्रह्मा एक पल में, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, एक पल में 84 लाख योनि जीते हैं। 84 लाख योनि समझ रहे हैं आप? कीड़े मकोड़े, पिल्लू, जड़, चेतन, जितने हैं पेड़ पौधे, इस सब मिला के 84 लाख है, जिसमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति है उनकी। जो एक पल में 84 लाख योनि जीता है एक साथ। और उसके बाद अगर कोई है तो एक्टर है, जो एक पल में 2 रूप जीता है। बीइंग अखिलेंद्र मिश्रा, मैं यहां तक शिखर आजाद भी मिला हूं, ये भी जी रहा हूं, ये भी जी रहा हूं। सो इसका एक उदाहरण देता हूं, शायद और स्पष्ट हो जाए। बंगाल थिएटर एक जमाने में बहुत रिच था। बंगाली लोग है यार, ये नहीं पता नहीं है आप भी हैं? 2 बंगाली को इकट्ठा कर, चलिए अच्छी बात है, मुबारक। सो बंगाल थिएटर एक जमाने में बहुत समृद्ध हुआ करता था और वहां एक निर्देशक थे ग्रीश रंजन घोष, जो थिएटर के लोग हैं वो जानते होंगे, उस नाम को सुना होगा। और वहां एक कलाकारा हुआ करती थी विनोदिनी। एक एक्टर को अगर कुछ सबसे पहले आना चाहिए तो खड़े रहना आना चाहिए, कि आपको डायरेक्टर ने कह दिया चुपचाप खड़े रहो और आप खड़े रहो, पता चला आप आए आप खड़े नहीं, सीधे चुपचाप। अब कहा जा रहा है चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि थिएटर 2 ही चीज है। थिएटर में एक आपकी बॉडी और एक स्पेस, और दोनों उन्होंने ही दिया है जिन्होंने ये रचना की है सृष्टि की। स्पेस भी उन्होंने दिया है और इस शरीर को भी उन्होंने दिया है। अब एक्टर क्या करता है, अपने शरीर द्वारा इस मंच को, इस स्पेस को इस्तेमाल करता है। कितना इस्तेमाल कर सकता है? क्या वो ऐसे चल सकता है? क्या वो ऐसे चल सकता है? क्या वो ऐसे चल सकता है? वो कैसे चल सकता है? कहां तक चल सकता है? क्या वो कैमरा गिरा सकता है? ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि थिएटर में ये बेसिक चीजें, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि थिएटर जो है कई ऑर्गेनाइजेशन खुल गए हैं, लेकिन वहां भी सही ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। ये तो अंशु को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपके जितने सदस्य हैं इस ग्रुप में, वो सभी बहुत प्रसन्न हैं और कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, तभी इतना खुश है। बड़ी अच्छी बात है। 11 साल हो गए और लिली जी के संरक्षण में लिली जी भी डायरेक्ट करते हैं आपके, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। न्याय जी साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि शिक्षा में तो क्या हो रहा है, शिक्षा में तो पत्तों में पानी दिया जा रहा है और बड़े बड़े शिक्षक तो पत्तों में पानी दे रहे हैं, पेड़ हरा भरा रहे हैं और पता चला वो पेड़ धीरे धीरे सूख रहा है क्योंकि हम जड़ में पानी नहीं दे रहे। लेकिन थिएटर जड़ में पानी देता है, याद रखिएगा। थिएटर जड़ में पानी देता है। अगर जड़ में पानी पड़ गया तो वो वृक्ष कभी नहीं सूखता। उस वृक्ष में रसदार फल लगते हैं। जब खाने वाला उस फल को खाता है तो उसका रसास्वादन करता है, तो कहता है यार क्या मीठा फल है इस वृक्ष का। यही एक्टर है। एक्टर को उसी वृक्ष की तरह अपने जड़ में पानी देके हरा भरा रहना है, तरोताजा रहना है, पूरी ऊर्जा से उज्ज्वलित रहना है। और जब परफॉर्म करता है, जब अपने भाव से, अपने सात्विक भाव से, अपने संचारी भाव से, अस्थायी भाव से जब रस की निष्पत्ति करता है, रस जब उत्पन्न होता है तो वो दर्शक को रसास्वादन करते हैं। पेड़ से आम तोड़ के रस खाया आपने और एक्टर शब्दों द्वारा, भाव के द्वारा रस उत्पन्न करके दर्शक को रसास्वादन करवाता है और दर्शक मजा लेता है। जैसे आप इमली खाते हैं तब भी रस, आम खाते हैं तब भी रस आता है जीभ को, राइट? करौंदा खाते हैं तब भी आता है, अमरूद खाते हैं तब भी आता है, आलू खाते हैं तब भी, टमाटर खाते हैं तब भी, बैगन खाते हैं तब भी, सब में रस है, अलग अलग रस है। एक्टर जब वीर रस परफॉर्म करता है तो वीर रस प्रस्तुत करता है, दर्शक को वीर रस का स्वाद आता है। और जब वो श्रृंगार रस करता है तो श्रृंगार रस उत्पत्ति होती है और दर्शक को श्रृंगार रस का स्वाद आता है। जब वो रौद्र रस में आता है तो दर्शक, हर रस में उसको रस मिलता है। ये सारे भाव हैं, इन सारे भावों पर रस का नाम दिया गया। रस तो एक ही है जो रसास्वादन होता है, लेकिन इन भावों द्वारा जो रस की उत्पत्ति होती है उसको भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में अलग अलग नाम दे दिया कि 9 रस हैं। और उसके बाद जोड़ने वालों ने, लल्लुल भट्ट और इन लोगों ने, अभिनव गुप्त ने, इन्होंने अलग वात्सल्य भक्ति रस, अलग रस भी जोड़ा है इसमें और कुछ 11-12 रस कर दिया उन्होंने। ये सारे रस हैं और इन सारे रस को, ये सारे रस जीवन के ही आयाम हैं जिनसे हम कभी ना कभी जीवन जीते हुए, आम जीवन जीते हुए हम वंचित रह जाते हैं। हम अपने आप में ही हैं। हम 25 ऑफिस जाते हैं, डीवी डब्बा में भेज दिए, वहां जाके बॉस से काम सुनते हैं, घर आते थे। आपको कहा था ना आलू लेते आइएगा, आप भी ना वहां गए। उसके बाद बहुत दिक्कत में चाय भी लूँ, कभी भी उम्र ठीक नहीं बना लीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ पार्टी। कई ऐसे भाव हैं जिससे वंचित रह जाता मनुष्य। आलू, टमाटर, गर्म मसाला, उदाहरण था। आज पत्ता गोभी बनेगा मटर के साथ, अलग अलग सब्जी बनाकर अलग अलग ऐसा स्वाद होता है। ये क्या है सब्जी बनाना? सब्जी बनाना क्या है? आलू और टमाटर का आलू दम क्या है? ये मसाले क्या है? कितनी आग में पकनी चाहिए? जीरा का, मंगरेल का, राई का, सरसों का फोरन देना चाहिए। मिर्ची कितनी होगी? एक होगी या दो होगी या आधी होगी या होगी नहीं? बच्चों को ये क्या है? जो चरित्र है उस चरित्र का स्थायी भाव, जो आलू का स्थायी भाव क्या है, उसका स्वाद क्या है? उस टमाटर का स्थायी भाव क्या है? स्थायी स्वाद क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? वह स्थायी भाव है। उसी तरह कैरेक्टर जो चरित्र प्ले कर रहे हैं उसका स्थायी भाव है अपना। ये कौन है, कहां से है, कहां जन्म हुआ, किस मोहल्ले का है, क्या भाषा बोलता है, क्या रहन सहन है, क्या पहनता है, किस संस्कृति का है, उठना बैठना कैसे था, पढ़ाई कैसे हुआ, म्युनिसिपैलिटी स्कूल में हुआ या मिशनरी स्कूल में हुआ, गवर्नमेंट में हुआ या हिंदी मीडियम में हुआ, हुआ कहां, या पढ़ाई नहीं या आठवीं जाते जाते छोड़ दिया। ये सारे के सारे ये भाव है, ये वृत्ति है उस कैरेक्टर की, उसकी प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति है। ये अस्थायी भाव है। ये आलू का वही अस्थायी भाव होगा, थोड़ा भी नमक ज्यादा होगा माहू हो जाएगा, खा नहीं पाएंगे आप। तो परफॉर्मेंस भी उसी लेवल पे करना है। खराब क्यों करते हैं? बड़ा ओवर करता था यार, तुमने बहुत अंडर कर दिया, आज तेरा पेस करेक्ट नहीं था, आज तू बहुत स्लो हो गया, प्ले गिरा दिया तुझे, आज सब्जी अच्छी। ये क्या है? जस्ट कनेक्टेड। आप इसको कनेक्ट कीजिए, जीवन से अलग नहीं है थिएटर, जीवन ही है थिएटर। और रोजमर्रा के जीवन में हम ये जी रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम कहने के लिए कर रहे हैं कि एक्टिंग। जैसे उन्होंने कहा कि भाई साहब ने कि अरे एक्टिंग एक्टिंग मैं क्या करूंगा, मैं तो एक्टिंग ज्वाइन करूंगा, पर फिर पूरी मेहनत के साथ वो भी आ गए। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र जी तालियां बजाइए। राजेंद्र जी भी आ गए। ये सारी बेसिक चीजें हैं। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जड़ में पानी डाला जाए। ये जब ये बच्चे ये जान जाएंगे, ये समझ जाएंगे तो हर चीज को रिलेट करेंगे। शब्द से दृश्य तक की यात्रा ही है। शब्द क्या है? एक वाक्य जब बोलते हैं उसमें इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, उस शब्द का भाव क्या है, वो कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, जो बोल रहा है उसकी वृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्थायी भाव क्या है, और बोलते वक्त क्या उत्पन्न हुआ जो संचारी भाव उसके साथ आया, क्या सत्व है उस चरित्र का, तत्व क्या है जो सात्विक भाव लेके आएगा, और उसको परफॉर्म करते हैं। पता चला वो शब्द दृश्य बन गया, क्योंकि उस समय ने आपने बोला वो वाचिक हो गया, आपने शरीर से जो भी जेस्चर किया वो आंगिक हो गया, और आपने जो उसके सत्य को प्रस्तुत किया वो सात्विक हो गया। ये तो अभिनय की विधाएं है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। न्यायाधीश साहब ने मुझे फ़ोन किया, अंशु जी ने मुझसे बात की और हम भी पेशन महसूस कीजिए, रिदम को लेके आइए, क्योंकि यही काम आएगा। अगर इस रिदम को आपने पकड़ लिया तो आपने जीवन का रिदम पकड़ लिया। हर चीज को आप इंजॉय करेंगे, कि याद रखिए, जीवन दो तरह के होते हैं, सफल जीवन और संतुष्ट जीवन। आपको तय करना है कि कौन सा जीवन चाहिए आपको, सफल चाहिए या संतुष्ट चाहिए। हम भाग रहे हैं, हम भगा रहे हैं अपने बच्चों को, हमारी शिक्षा प्रणाली भी बच्चों को भगा रही है। भागो, बहुत कंपटीशन है, सफल हो, सफल हो, सफल जीवन चुनो, सफल जीवन चुनो। जीवन सफल तो है, बच्चा 2 लाख महीना भी कमा रहा है, लेकिन संतुष्ट नहीं है, ना ही उसकी पत्नी, ना ही उसके बच्चे, ना ही माँ बाप। लेकिन वही जितना मिला उसी तरह संतुष्ट है, उसको थैंक्स बोल रहे हैं। जैसे संतुष्ट होइएगा वैसे ही सफलता सामने हाईवे खोजेगी। आप आगे आगे जा रहे हैं, सफलता करेंगे। अरे कहां जा रहा है भाई, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, कहां जा रहा है? नहीं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे नहीं। अरे यार करिए, जब आप संतुष्ट होइएगा अपने काम को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके, कभी भी असंतुष्ट मत होइए। वॉट एवर यू हैव अचीव्ड, Just thank Almighty, thank, उनका अभिनंदन कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए और संतुष्ट रहिए, कमाल हो जाएगा। और ये सब कुछ थिएटर से मिलेगा, याद रखिए। इसका जीता जाता एकमात्र मैं उदाहरण आपके सामने खड़ा हुआ हूं। ये यात्रा मैंने देखी है, नियाजी साहब के साथ भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। नियाजी साहब बाद में आए, लेकिन हम लोग आखिरी क्षमा में करते हैं। ये सारी चीजें हैं, बहुत बहुत बधाई हो। 11 साल, अच्छा दूसरी बात क्या है, 11 साल के बाद ना खतरनाक होनी शुरू हो जाती है, आप खतरे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन थिएटर आपको नहीं बढ़ने देगा, याद रखिए। थिएटर आपको वो अनुशासन देगा, वो जीवन देगा, वो विचार देगा, वो परिपक्वता देगा, वो सोच देगा कि आपको उस तरफ बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। मैंने आप ही लोगों के लिए मार्च में मेरी एक किताब आ रही है, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व, तो वो आ जाएगी, मैं इनको बता दूंगा और उसका रसा स्वागत कर सकते हैं। बहुत कुछ विस्तार है उसमें, एक अभिनय को लेके, एक अभिनेता को लेकर, और अभिनेता का व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, तो वो है। और अभी जैसा कि उन्होंने कहा, अखिलाप्रियतम काव्य संग्रह, कविता संग्रह अभी आई है, रेमेलोन में शुरू हो गया प्री बुकिंग उसकी, और लिंक तो आपके पास आ गया। वो इस ढंग से हमने लिखा है, क्योंकि एक्टर्स के लिए कविता पाठ बहुत आवश्यक है। पोएट्री रिसाइटिंग, बच्चों हिंदी समझ रहे हो, कविता पाठ, पोएट्री रिसाइट करना, वो एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। पोएट्री रिसाइट करे, उनका टंग ट्विस्ट होगा, उनके जीव को लय मिलेगा। कविता एक कविता हो जाए, बच्चे भी तो समझे। अरे कविता मैंने लेके आया था, सारी बातें बोल चुका हूं मैं। कविता है इस पुस्तक में है कविता। ये कविता का शीर्षक है नाटक, और ये कविता जो पूरी कविता है, ये अपने आप में एक विषय सूची है एक एक्टर के लिए, एक रंगकर्मी के लिए। ये कविता एक विषय सूची, एक सिलेबस है। ये कविता, पूरी कविता, इसका शीर्षक है नाटक। ये मैं पढ़ता हूं थोड़ा सा। नाटक, कला का उत्कृष्ट रूप नाटक, कला का उत्कृष्ट रूप नाटक, उत्कृष्ट काव्य का उत्कृष्टतम रूप नाटक, काव्यों का उत्कृष्ट काव्य नाटक, विचारों की व्यापकता नाटक, विषयगत समग्रता से परिपूर्ण नाटक। कहते ना कि सब्जेक्ट ही नहीं है नाटक, विषयगत समग्रता से परिपूर्ण नाटक। काव्य, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, शिल्प, ललित कलाओं का कोष नाटक। साहित्य का संसार नाटक। याद रखिए, साहित्य से जोड़ देता है नाटक। साहित्य का संसार नाटक, शब्दों को दृश्य बनाता नाटक। जो मैं अभी वर्णन कर रहा था, वही वर्णन हर एक लाइन का है, उतना ही वर्णन हर एक लाइन में जो पुस्तक में मिलेगा। शब्दों का प्रसार नाटक, रंगों का बौछार नाटक, रसों का संचार नाटक, भावों का भंडार नाटक, नेपथ्य का प्रहार नाटक। अब नेपथ्य का प्रहार नाटक जो है वो अपने आप में कुछ अलग ही है। पूरे नेपथ्य पे मैंने थिएटर ओलंपिक्स में एक व्याख्यान दिया था। खैर अभी तो इतना लंबा नहीं जा सकते। व्यक्तित्व का निखार नाटक जो मैं बात कर रहा हूं, तालियों का पुरस्कार मैक्सिम गोर्की का नाम सुना आप लोगों ने? एक रशियन थिएटरिस्ट थे, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर। उनसे किसी ने पूछा कि क्या ये वाला कहते नाटक वाला क्या मिलता है? बट गोर्की मुस्कुरा क्या रहे हो, मिलता क्या है? तो कहा कि तुम्हें क्या मालूम कि तालियों का क्या नशा हो। तालियों का पुरस्कार नाटक, रंग कर्म का उद्गार नाटक, समाज का सरोकार नाटक, परंपराओं का विस्तार नाटक, संस्कृति का प्रतिबिंब नाटक, समाज का दर्पण नाटक, रंगकर्मी का दर्पण नाटक, अभिनेता का समर्पण नाटक, जीवन का स्वाद नाटक। जिस स्वाद की बात करता था, जीवन का स्वाद नाटक, संगीत की सुगंध नाटक। संगीत में जो सुगंध है वो एक रंगकर्मी ही लेता है, मैं सच बता रहा हूं। या तो जो बहुत ही तपस्वी संगीतकार है वही लेते हैं, हर कोई नहीं ले सकता कि संगीत में जो सुगंध है वो सुगंध क्या है। सृष्टि के हर वस्तु में, हर चीज में, हर सब में सुगंध है, और संगीत तो नाद से उत्पत्ति हुई है। खैर वो अलग एक। आहार्य का सौंदर्य नाटक। आहार्य कहते हैं जो चार अभिनय, उसमें से एक आहार्य है। वेशभूषा को, रूप सज्जा को आहार्य। आहार्य का सौंदर्य नाटक, सौंदर्य की फुहार नाटक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होश, जिह्वा का उच्चार नाटक। हम कंठ से भी बोलते हैं, तालु से भी बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं, दंत से, होश से, सबसे हम बोलते हैं, हमारा उच्चारण हो रहा है। अलग अलग कबर का उच्चारण अलग, चबर का अलग, टबर का अलग, तबर का अलग, पवर का अलग, इस सबका उच्चारण अलग अलग जगह से है। ये उच्चारण का विषय है, एक अध्याय उसमें ये भी है उच्चारण को लेकर। सुर, राग, लय, ताल, गति का परिवार नाटक, भरत मुनि का उपहार नाटक, इंद्र की परिकल्पना नाटक। जब सतयुग खत्म हुआ और त्रेता आया तो ये इंद्र की परिकल्पना थी कि क्या करेंगे, जनसंख्या बढ़ गई तो मार काट करेंगे, एम्प्टी माइंड पर खाली से खुरापाती का दिमाग नहीं तो क्या करेंगे, ये क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे एंटरटेनमेंट हो, दिन भर काम करें ये लोग, और काम करने के बाद ये कुछ तो मनोरंजन नहीं हो, फिर खा पी सो जाए, फिर सुबह काम करें। तो इंद्र की परिकल्पना है, इंद्र की परिकल्पना नाटक। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ से व्याप्त नाटक, ये चारों पुरुषार्थ है नाटक में। ऋग्वेद का संवाद नाटक, संवाद जो है वो डायलॉग बोलते हैं, जो संवाद जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, सामवेद से संगीत लिया गया है और अथर्ववेद से रस लिया गया है। ऋग्वेद का संवाद नाटक भी, यजुर्वेद का अभिनय नाटक, सामवेद का संगीत नाटक, अथर्ववेद का रस नाटक, ब्रह्मा रचित पंचम वेद नाटक। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा गया है और ये विद्या जब इंद्र की परिकल्पना हुई और ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई त्रेता युग आ गया तो जनसंख्या बहुत बढ़ेगी, इस जनसंख्या में लोग क्या करेंगे, तो उपद्रव करते रहेंगे, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने ये विद्या भरत मुनि को दी, कैसा एक नाट्यशास्त्र रचो जिसमें लोग आए। और उसके बाद फिर उसके बाद अलग कहानियां, पहला नाटक हुआ था देवासुर संग्राम, उसमें राक्षस आए थे, मुक्ताकाश मंच था, ओपन एयर थिएटर, वहां तो राक्षस उपद्रव कर दिया कि मतलब मुझे डिमोलाइज किया जा रहा, राक्षस हारने वाले होते हैं क्या, इस तरह का कुछ हुआ, वो संग्राम हुआ था। उसी समय थिएटर का कॉन्सेप्ट आया, थिएटर बनाओ, ब्रह्मा जी ने कहा थिएटर बनाओ तुम, जिसमें जिसकी एंट्री हो सके, जो परमिटेड हो, टिकट हो, वही एंट्री ले। ये आवारा का भूत हो जाए। हाँ, समटाइम देखा है ना हमारे एक्टा में, तो जो कंपटीशन होता है उसमें कंटेंट अगर कुछ गड़बड़ है किसी समुदाय को लेकर तो उपद्रव हो जाता है, उपद्रव हो जाता है, डायरेक्टर को मारने के शुरू हो जाता है। थिएटर में उसी के उसी समय ये जो ऑडिटोरियम का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट उसी समय बनाया गया कि मंच कैसा हो, मंच का डेप्थ कितना हो। आजकल मंच बनाया गया नहीं, उसका डेप्थ कैसा हो, वो चंद्राकार हो, कैसे उसके विंग हो, उसके नेपथ्य कैसे हो, उसका शौचालय कहाँ हो, दर्शक कैसे बैठे, तो पूरी रूपरेखा तभी तैयार कर दी गई थी, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। और बाहर भी यहीं से गया है, तो दूसरी बात भी बाहर वाला ठप्पा लगा देता है कि हमारा है और गलती हमारी भी है, हमारी चीजें बाहर जाती है और वहां से आती है तो हम मानते हैं ये बड़ा बढ़िया है, नहीं अपने इंडियन है ये एटीट्यूड है। लेकिन चिंता मत कीजिए, थिएटर आपको ये करने नहीं देगा, ये सोचने नहीं देगा, इस तरह का विचार आने नहीं देगा। चलिए, बहुत 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 बधाई हो, आपके 12 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कहते हैं 12 वर्ष पूरा होने के बाद एक युग का समापन होता है, एक पीढ़ी बदल जाती है। 12 साल तो एक पीढ़ी बदलेगी, टेंडेंस एक पीढ़ी का हो जाएगा और बड़ा बढ़िया होगा। और अंशु जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने हमें बुलाया, न्याजी साहब ने हमें फोन किया और कहा कि आना है, मैं बिल्कुल आऊंगा, थिएटर हमारा घर है, हम तो यहीं के उपज हैं। बीज को जमीन में जब डाल दीजिए ना तो बड़ा छटपटाता रहता है बाहर में, बहुत छटपटाता है कि मैं सूरज कब देखूंगा, अंदर ही अंदर कुलबुलाता रहता है। उसका टाइम आता है, जैसे जैसे थोड़ा पानी मिल गया उसको, थोड़ा धूप मिल गया, अंदर ही अंदर कुलबुला रहा है, एक दिन पूरा हो रखा है अंकुरित। अब बीज उल्टा पड़ा है या सीधा पड़ा है, कैसे भी पड़ा जमीन में, लेकिन अंकुरित तो सीधा ही होता है। यही है। थैंक यू।